सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और गाइस काफ़ी वीडियोस आपने देख ली होगी कि राइजन 4000 सीरीज जो है वो एएमडी लॉन्च करेगा, शायद अपने दिसंबर तक राइजन 4000 सीरीज के एपीयूज आने वाले हैं। और काफ़ी सारे जो एएमडी की तरफ से जो न्यू लीक्स है उसके आपने वीडियोस देखे होंगे। तो गाइस मैंने सोचा कि यार इस पर एक वीडियो मुझे बना देना चाहिए। और काफ़ी लीक्स आ रही थी कि यार एएमडी का जो न्यू चिपसेट है लाइक B550 वही सपोर्ट करेंगे एएमडी की 4000 सीरीज, या X570 आपके जो X670 मदरबोर्ड्स आएंगे इन फ्यूचर वही 4000 सीरीज को सपोर्ट करेंगे, और B450 से आपको जो सपोर्ट है वो हटा दिया जाएगा। ये काफ़ी लीक्स सारी थी तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, एएमडी ने ट्वीट जरूर किया था कि हम B450 में नहीं देंगे, पर उसके बाद उन्होंने कुछ लाइक काफ़ी सारे वीडियोस देखे, अपने कस्टमर्स से फीडबैक मिला और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। तो वो डिसीजन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बात होती है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस देरी नहीं करेंगे एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। वेल सो गाइस, हम सब जानते हैं कि यार एक्स जो B450 चिपसेट है वो लाइक एएमडी कमिट कर रहा है 2020 तक, ठीक है। इस ईयर के एंड तक जो भी प्रोसेसर्स निकालेगा, एएमडी ने कहा था कि जो हमारे पुराने जनरेशन के मदरबोर्ड्स हैं उन पे आपके जो प्रोसेसर्स है वो सपोर्ट करेंगे इजिली बायोस अपडेट के बाद। पर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एएमडी के जो 4000 सीरीज के जो सीपीयूस आपके आने वाले हैं तो लेकिन उनको अपडेट करने के लिए आपके जो मदरबोर्ड की जो कैच मेमोरी की जो साइज होगी ना वो आपको ज़्यादा चाहिए रहेगी। तो आपके जो B450 मदरबोर्ड, जनरली B450 मदरबोर्ड्स की जो साइज होती है वो 16 MB की मेमोरी होती है, उसमें बायोस चिप जो होती है वो 16 MB की बायोस चिप होती है। बट ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब जब आप नया बायोस अपडेट करेंगे ना तो वो उसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी साइज़ कम है। तो इस वजह से क्या किया एएमडी ने ऐसा डिसीजन लिया था कि B450 में जो है और राइजन 4000 सीरीज का सपोर्ट नहीं देंगे, हम सपोर्ट करेंगे X470 X570, क्योंकि उनकी जो बायोस चिप आती है वो बड़ी आती है, तो इस वजह से क्या उनमें उन प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। पर इस वजह से मार्केट में काफ़ी ऑफर आता फ्री मच गया और जो कस्टमर्स है वो बोलने लगे कि भाई हम तो एएमडी में पागल बना रहा है, हमें ये हो रहा है। तो इस वजह से एएमडी ने काफ़ी वीडियोस देखे और ये सब देखने के बाद उन्होंने फिर से सोचा कि यार हम नहीं, हमारे जो कस्टमर्स हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने फिर से ट्वीट किया, क्योंकि आपको जो B450 मदरबोर्ड से उनको भी अब वो कॉम्पैटिबल बनाने के लिए हाँ कर दी उन्होंने। तो आपके जो B450 मदरबोर्ड्स होंगे वो भी राइजन 4000 सीरीज के कॉम्पेटेबल होंगे, लाइक आप उस पर 4000 सीरीज का APU चला सकेंगे, आप CPU चला सकेंगे। बट एक प्रॉब्लम के साथ, आपको क्या करना होगा, अगर आपको राइजन 4000 सीरीज का CPU ले रहे हैं तो पहले आपको CPU बाय करना होगा। CPU बाय करने के बाद आपको जो आपका बिल होगा वो शायद आपको मुझे ईमेल करना होगा। देन वो क्या करेंगे, वो एक बीटा बायोस बना रहे हैं आपके जो मदरबोर्ड के लिए, एक बीटा बायोस बनाएंगे, वो बीटा बायोस आप अपने मदरबोर्ड में डालेंगे। देन वो बीटा बायोस आपके मदरबोर्ड में डालने के बाद आपके जो पुराने वाले जो CPUs होंगे ना, लाइक R7 हो गया, R7 1700 हो गया, 2700 हो गया, 3700 हो गया, उन सबका सपोर्ट आपके मदरबोर्ड से चला जाएगा और आप खाली चला पाएंगे, लाइक आपका 4700 हो गया, लाइक 4600 हो गया, लाइक जो आपके लेटेस्ट जनरेशन के जो CPUs होंगे वही आप B450 मदरबोर्ड पे चला पाएंगे वो बायोस अपडेट के बाद। इसका कुछ फायदा भी, इसका कुछ नुकसान भी है। अगर एएमडी अगर अपने पुराने वाले जनरेशन के साथ कंपेटेबल के साथ अगर अपडेट देता है तो आपको लाइक काफ़ी स्मार्ट फैंस और लाइक आपको अंदर का इंटरफेस और काफ़ी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता। तो इस वजह से एएमडी ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया कि लाइक अगर आपको एएमडी ने प्रूफ भी इसलिए मांगा कि हाँ हमारे जो कस्टमर उन्होंने ये CPU बाय किया है तो उनके लिए आपको वो कुछ लिंक के थ्रू या किसी के भी थ्रू वो बीटा बायोस भेजेंगे और आप बायोस इजीली इंस्टॉल कर लेना अंदर और आपका काम ईजी हो जाएगा। आज की वीडियो इतनी ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।